नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेएजेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। रामनगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ गुरुवार को सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ श्वेता भंडारी और ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी एवं स्वास्थ्य विभाग की गठित टीम ने कार्रवाई की। आपको बता दें, रामनगर पीरूमदारा क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के चलते कई झोला छाप डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी ने बताया कि रामनगर में लखनपुर इलाके में डॉक्टर रावत रावत डेंटल क्लिनिक और कुमाऊं डेंटल क्लिनिक के यहां कार्रवाई के दौरान मौके पर कोई भी वैध डिग्री न मिलने के कारण इन तीनों क्लिनिकों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पीरूमदारा में बंगाली क्लिनिक पर कार्रवाई की गई। इस क्लिनिक के संचालक के पास आयुर्वेदिक डिग्री का लाइसेंस था, लेकिन मौके पर एलोपैथिक पद्धति से चिकित्सा सुविधा दी जा रही थी। इसके अलावा प्रिय क्लिनिक पर भी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि पांचों क्लिनिकों पर 2,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। विभाग का ये अभियान आगे भी लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। ये निरंतर हमारा विभाग कोई भी अनधिकृत रूप से क्लिनिक जो चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने आज रामनगर और पीरूमदारा क्षेत्र में हम लोग आए हैं। रामनगर में लखनपुर चौकी के पास में डॉक्टर रावत क्लिनिक है, वो हम लोगों ने चालान की कार्रवाई करी और बंद कराया है। उसके अलावा दो डेंटल क्लिनिक है जिन पर चालान की कार्रवाई होकर बंद कराया गया उसी क्षेत्र में। उसके पश्चात हम यहाँ पे पीरूमदारा में आए हैं, जहाँ यहाँ पर हरिशंकर सरकार बंगाली क्लिनिक है। यहाँ पे सूचना मिल रही थी कि अनधिकृत रूप से एलोपैथिक प्रैक्टिस और इलाज किया जा रहा है, और पूर्ववत में भी इसकी ऐसी सूचनाएं मिली है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं बंगाली क्लिनिक में, और यहाँ पर इनकी सभी मेडिसिन और सभी कागजात देखे जा रहे हैं, और इसके विरुद्ध भी चालान की कार्रवाई करके इनको बंद करने के लिए कहा गया है जी। इसमें जो है पहले शासन के टीम के द्वारा इसको सीज किया गया था, पर फिर दोबारा कोर्ट के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए उसके पश्चात इनके द्वारा ये कहा गया था कि मैं अपनी डिग्री के अनुरूप ही सेवाएं प्रदान करूंगा। तो इनके पास हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आयुर्वेद की डिग्री, इनको रजिस्ट्रेशन आयुर्वेद के अंडर में है, पर इनके द्वारा एलोपैथी की प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। तो इसी क्रम में हम लोग इसमें यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ पर इन पर चालान की कार्रवाई की गई है। रामनगर में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। गुरुवार को जनपद के सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी और ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी के साथ मौजूद तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने रामनगर व ग्रामीण क्षेत्र पीरूमदारा में कई झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ कार्रवाई की है। इस दौरान डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान रामनगर में 3 क्लिनिक पर कार्रवाई की गई, और उन्होंने बताया कि इन 3 क्लिनिक पर जो कार्रवाई की गई है, तीनों क्लिनिक पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो वहां मौजूद डॉक्टरों द्वारा कोई वैधानिक डिग्री नहीं दिखाई गई, जिस कारण इन क्लिनिकों के दस्तावेज कब्जे में लेने के साथ ही इन्हें बंद कराने के निर्देश दिए गए। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पीरूमदारा क्षेत्र में बंगाली क्लिनिक पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि जो वहाँ के डॉक्टर हैं, संचालक हैं, उनका आयुर्वेदिक डिग्री का लाइसेंस है, लेकिन एलोपैथिक पद्धति से वहाँ चिकित्सा की जो है की जा रही थी, और उन्होंने कहा बताया कि पूर्व में भी इस क्लिनिक की कई शिकायतें मिली थी और विभाग द्वारा कार्रवाई भी की गई, लेकिन कोर्ट के निर्देशों के तहत इस क्लिनिक को खोल दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ खामियां मिली हैं जिसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जांच की जा रही है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बंगाली क्लिनिक पर यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि गरीब और जनता के साथ झोला छाप डॉक्टरों द्वारा जो किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई करेगा, और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि रामनगर क्षेत्र में जैसी स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार्रवाई की भनक झोला छाप डॉक्टरों को लगी तो इसके बाद झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। तो इसके बाद कई डॉक्टर अपनी क्लिनिकों को भी बंद कर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई विभाग की लगातार जारी रहेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेएजेड न्यूज़। तो खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेएजेड न्यूज़। धन्यवाद।